हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेंटर की जो भारत में कई जगह पर बने हुए हैं और उनमें अगर हम इलाज कराएं तो पैसा भी बहुत कम खर्च होता है। और उस सेंटर के बारे में आपने मुझे कई क्वेश्चंस पूछे हैं। उसमें जो एक मेजर क्वेश्चन आपने मुझसे किया था वो किया था कि क्या जो आई की सर्जरीज होती हैं, कुछ स्पेशल सर्जरीज, क्या वो दिल्ली एम्स में होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि आपने इस चैनल के साथ जुड़कर इस फैमिली को बड़ा किया है और थैंक्स फॉर योर लव, लॉट ऑफ लव, जो आज हमारी फैमिली इतने बड़े लेवल पर है। तो अगेन थैंक्स टू यू ऑल, जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं जो नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, उन सभी को मेरी तरफ से लव यू। अब नेक्स्ट जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या दिल्ली एम्स में आई की सर्जरी में कॉन्ट्यूरा विजन होता है या नहीं, या उससे भी अपडेट कोई टेक्नोलॉजी वहां पर है या नहीं, तो आज मैं आपको वहां का एक जो कार्ड बनता है, जो राजेंद्र प्रसाद वहां का एक सेक्शन है आई का, वहां जो कार्ड बनता है उस पर क्या क्या मेंशन है आज मैं वो आपको दिखा देता हूं। यह आपके स्क्रीन पर वहां का कार्ड और जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन से सर्जरीज वहां पर होती हैं, जिसमें कि मेंशन है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है लेसिक, स्माइल और लेसिक और एपिलेसिक और लेसिक एक्स्ट्रा, टी कैट और आईसीएल और इस तरीके से आईबीसीएल और जो और भी आगे लिखे हुए हैं, और फिर कॉन्ट्यूरा भी लिखा हुआ है। कॉन्ट्यूरा विजन इसका मतलब वहां पर होता है और इसके बाद इंटैक्ट। तो ये इस तरीके की जो सर्जरीज हैं इसमें ये सारी वहाँ पर अवेलेबल हैं, और अगर इसमें से कोई सी भी आपने चूज़ की है या आपके नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पर इसका बहुत सारा खर्चा आ रहा है अगर उसमें बताया है, तो आप एम्स में जाकर इनको करवा सकते हैं। इसमें एक सर्जरी जो है वो एपिकॉन्ट्रा का डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है कि एपिकॉन्ट्रा वहाँ पर होती है नहीं होती है। एपिकॉन्ट्रा भी इस समय की भारत में सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी है जो आई के विज़न को करेक्ट करती है, और कहा यह जाता है कि ये -4 तक का नंबर आराम से रिड्यूस कर सकती है और उससे आंखों पर नुकसान भी कम होता है और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से वो आँख के विज़न को अच्छा कर देती है। इसके साथ साथ एक सवाल आपका और भी रहता है कि एम्स में अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहाँ की फ़ीस क्या रहती है, तो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 20-25% जो भी बाहर आपका जमा हो रहा है पैसा, तो उससे 20-25% आपको यहाँ पर उसकी फ़ीस जमा करनी पड़ सकती है। समवेयर कुछ ट्रीटमेंट तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जहाँ पर फीस जमा करनी होती है, तो वो काफ़ी कम है। अगर बाहर की अपेक्षा हम देखें तो वो काफ़ी कम है, यहाँ पर लगभग मान सकते हैं आप 20% पैसा जमा करना होगा आपका, जितना वो ट्रीटमेंट अगर बाहर आप पैसा पे कर रहे हैं तो उसकी अपेक्षा में, तो काफी सस्ता है अगर आपका यहां नंबर आ जाता है और आप उसको करा लेते हैं। एम्स में अगर आप कभी भी दिखाने के बारे में सोचते हैं किसी भी बीमारी के संबंध में, तो उसमें अगर आप वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वहां पर लाइन में नहीं खड़े होना पड़ेगा और जो प्रॉब्लम्स वहां पर आती हैं जाकर, उन प्रॉब्लम्स को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी भीड़ होती है, भारत के अलग अलग हिस्सों से वहां पर लोग पहुंचते हैं, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ही फिक्स डेट पर वहां पर जाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, किस साइट पर आप जाएंगे, किस तरीके से करेंगे, इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और उस तरीके को फॉलो करके आप आराम से ऑनलाइन एम्स में रजिस्ट्रेशन या अपना जो पर्चा है उसको पहले ही बनवा सकते हैं, और जो आपको दिन और समय मिलेगा आप उस समय पर ही एम्स में पहुंचे और आराम से वहां पर जाकर दिखाएं। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान भी रखना है कि जिस दिन जो डेट आपको मिलती है उस दिन आपको समय पर जो राजेंद्र प्रसाद सेंटर है वहाँ पर पहुँचना है, और अकॉर्डिंग टू जो भी आपका आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है उसका जो भी आपके पास स्लिप है उसको लेकर जाना है, फिर वहाँ का जो मेन काउंटर है वहाँ पर जाकर एक कार्ड बनवाना है, उसके बाद फिर आप कंसर्निंग डॉक्टर या जो भी कमरा नंबर आपको बताया जाएगा आप वहाँ पर जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि आई होप सो कि जो आपने मुझे सवाल किया था कि एम्स में कौन कौन सी लेसिक सर्जरीज होती हैं और उनकी डिटेल हमें बताइए, तो मैंने आज आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड आई होप सो इट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।